नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कर्मवीर में। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की जो कोर्स पुस्तकालय सूचना विज्ञान के अंतर्गत हम जो सूचीकरण के जो एक क्वेश्चन बुकलेट्स है वेबसाइट पर, उसके जो अति महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जो परीक्षा में आते रहते हैं या उनसे रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं वो सारा हम हल कर रहे हैं। आज जो मैंने जो सवाल लिया, सवाल नंबर 17 है और इस सवाल को हम हल करेंगे। तो इसका नाम, जो टाइटल का नाम है किताब का, एनिमल फिजियोलॉजी, और नेट स्किमिट नेल्सन इसके जो लेखक है और ट्रांसलेटर एडवर्ड आर जॉन और प्रेंटिस हॉल एंस, ये इसके जो प्रिंटिंग प्रेस है, और अदर इंफॉर्मेशन में कॉल नंबर वगैरह ये सारे मैं दे रखे, सीरीज का नाम भी है, सीरीज का एडिटर भी है। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले आप जो सवाल कर रहे हो, आप उस सवाल का आप यहाँ पर क्रमांक जरूर दें, पहला दूसरा चौथा पांचवा जो भी हो, और फिर इसकी पद्धति जरूर लिखें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि कौन सा सवाल किया जा रहा है। मेन एंट्री जब आप बनाएंगे तो आप यहाँ पेंसिल की सहायता से कॉल नंबर आप लिख देंगे, और उसके बाद आप यहाँ लेखक का नाम लिखते हैं। तो ये नोल्ट नेल्सन ये है, तो ये आप नाम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पूर्ण वर्ण लगा देंगे, उसके बाद इसका टाइटल आएगा एनिमल फिजियोलॉजी, और फिर पूर्ण वर्ण लगा देंगे। अब एडिटर नहीं है इसमें, ट्रांसलेटर, तो TR/ आएगा, ट्रांसलेटर बाय क्या नाम है, जॉन आर एडवर्ड, JOHN और बाद में पूर्ण राम लगा देंगे। और उसके बाद जो सीरीज की है, तब ये सवाल आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अब सीरीज की एंट्री को हम कोष्ठक के अंदर लिखा करते हैं। फाउंडेशंस ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी सीरीज नंबर 14, कोष्टक बंद पूर्ण विराम, उसके बाद लिखेंगे ED, एडिटर भी है ये बाय, ये स्वानसन ये सरनेम है तो आगे आ जाएगा, और पीछे C.O. इस तरीके से हम लिखेंगे सीरीज का नाम और उसका एडिटर। और उसके बाद हमारे पास बचता है एक्सेशन नंबर 223-11, ये आप थोड़ा नीचे लिखेंगे या नहीं, बस यहाँ ठीक है, और उसके बाद हमें इसकी जो चेन प्रोसीजर बनानी पड़ती है। उसके लिए आपके जो वर्गांक है उनको आप कॉलन की सहायता से कर देंगे, ये इसमें दो ही वर्गांक है, तो के है जो आप के लिए आप जब देखेंगे कॉलन क्लासिफिकेशन बुक में तो जूलॉजी का है, जूलॉजी लिखेंगे, और जो 3 है वो बायोलॉजी में आप देखेंगे एनर्जी पार्ट में, 2 मॉर्फोलॉजी का, जियोलॉजी का, अब इसी को आप ट्रेसिंग में डालेंगे, ये ट्रेसिंग इसी के जस्ट पीछे होती है, तो आधे से थोड़ा इधर ये लिख देंगे हम, ये आपको मैं बता देता हूँ फिजियोलॉजी कहाँ है। बायोलॉजी में आप जाएंगे तीन नंबर ये फिजियोलॉजी, 2 नंबर मॉर्फोलॉजी है,
और लास्ट में पूर्ण नाम, ये थोड़ा इधर थोड़ा, अब ठीक है। ये हो गए, उसके बाद हम जो बाकी जो ऊपर जो चीज़ें हैं वो मेन एंट्री वाली, जैसे लेखक का नाम वगैरह, वो सारे सीक्वेंस में लिख देंगे, ये नोल्ट लिख देंगे। और उसके बाद है जो ट्रांसलेटर है उसकी भी एंट्री कर देंगे। और इसके पीछे लिख देंगे कोमा टी आर, और इसको अंडरलाइन करेंगे या। इसके बाद सीरीज की एंट्री, इसके बाद सीरीज है तो सीरीज का लिख देंगे। प्रेंटिशल फाउंडेशंस, ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, सीरीज फोर्टीन के बाद एडिटर का नाम आएगा। इसका एडिटर है ये स्वानसन, ये सी ओ, ये एडिटर है। ये एडिटर लिख देंगे। अब इसकी जो सहायक एंट्री है भी हम बनाएंगे, पहले फिजियोलॉजी जियोलॉजी की बना देंगे। और इसके जो कॉल नंबर है वो आप यहाँ लिख देंगे। और दूसरी एंट्री जियोलॉजी की, और जूलोजी के कोड पेंसिल से यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर है, ऑथर का नाम जो नुल्ट है वो कर देंगे हम यहाँ। और ये कैपिटल आपको करना है। और इसके बाद इसका जो टाइटल है वो आप यहाँ लिख देंगे, एनिमल फिजियोलॉजी। और उसके बाद एडिशन होता तो एडिशन लिख देते, और कुछ नहीं लिखेंगे हम। कॉल नंबर जैसे किताब में दे रखी है वैसे आप पेंसिल से लिख देंगे। और उसके बाद क्या बचा है, कोलोबोरेटरी एंट्री, एडिटर राइटर के बाद कोलोबोरेटरी एंट्री, ये बुक इंडेक्स एंट्री में आएगी कोलोबोरेटर। इसका नाम क्या है वो आपको लिखना पड़ेगा, एडवर्ड
फिर आप इसका ऑथर का नाम आप लिखेंगे, ये नोट और फिर इसका जो टाइटल लिखेंगे फिर जो कॉल नंबर जैसे किताब में दे रखे वैसे आप यहाँ लिखेंगे। ये कोलबोरेटर हो गया, सीरीज है, सीरीज भी आएगी आगे। ये बुक इंडेक्स एंट्री में आती है, अब इसमें ये जो नंबर है ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। और फिर उसमें पीछे आप ये चीज़ें है ये लिख देंगे सेम टू सेम। और ये सीरीज हो गई, अब यो एडिटर ऑफ सीरीज उसका नाम लिख देंगे। कॉपी और उसका यहाँ नाम आ जाएगा, यहाँ सीरीज का नाम यहाँ लिखेंगे। अब उसके लिए क्या करना है, एक सी लिखना पड़ेगा हमें, और यहाँ सीरीज का नाम है वो हमें लिखना होगा क्योंकि उसे पता चल जाएगा ये इस सीरीज की है। और जो सीरीज आपने लिखा उसको आप अंडरलाइन कर देंगे। तो इस तरीके से ये सवाल हल किया जाता है, वो बिल्कुल ही सरल सवाल है। और इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो इस तरह के सवालों की आप प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। जैसे मैं नया वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।